केस एट रिटायरिंग अपील अंडर डिबेट, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ऐसा होता है समटाइम्स जो बिल का ड्रॉई होता है, जिसने बिल की अमाउंट पे करनी होती है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ड्रॉअर को अप्रोच करता है कि मैं आपको ड्यू डेट से पहले जो है वो पेमेंट कर देता हूँ, तो आप मुझे जो है ना वो कुछ डिस्काउंट दे दें, ठीक है। लेट अस सपोज अगर 4 महीने का बिल है, ठीक है, अब ड्रॉई जो है वो 2 महीने पहले ही चला जाता है ड्रॉअर के पास और कहता है जी मैं आपको पेमेंट अभी कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे जो है ना कुछ डिस्काउंट दे दें, ठीक है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है। ड्रॉअर जो है वो एग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 2 महीने पहले पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो कुछ परसेंटेज आपको गिवन होगी कि आपने इतने परसेंट जो है वो डिस्काउंट दे दिया, लेकिन वो डिस्काउंट किस नाम से रिकॉर्ड होगा? रिबेट के नाम से, ठीक है। जो बिल का ड्रॉई होता है वो जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो इसको हम कहते हैं बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट, यानी कि 4 महीने का बिल था, ड्रॉई ने 2 महीने बाद पेमेंट कर दिया, ठीक है, ड्यू डेट से पहले, तो इसको हम बोलेंगे रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अब क्योंकि 2 महीने पहले पेमेंट की है तो वो 2 महीने का ना डिस्काउंट रिसीव करेगा ड्रॉई, ठीक है, लेकिन वो डिस्काउंट किस नाम से होगा? रिबेट के नाम से, ठीक है। तो ड्रॉअर के लिए क्या होगा? क्योंकि ड्रॉअर अलाउ करेगा डिस्काउंट, ठीक है, रिबेट, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं, ये डिस्काउंट जो आप देंगे ये आप रिबेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉअर के लिए रिबेट क्या होगा? एक्सपेंस, जैसे डिस्काउंट अलाउ करना होता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है इंक्रीज डेबिट। तो जब ड्रॉअर रिबेट अलाउ करेगा तो रिबेट दे रहा है ड्रॉअर, तो ड्रॉअर के लिए रिबेट क्या है? एक्सपेंस। तो ड्रॉअर अपनी बुक में रिबेट को डेबिट करेगा, और ड्रॉई के लिए रिबेट क्या है? इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है, तो रिबेट रिसीव कर रहा है ड्रॉई, तो वो इनकम है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, ड्रॉई अपनी बुक में रिबेट को क्रेडिट करेगा। अगेन आप लोगों को क्लियर हो गया रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का ये मतलब है कि ड्यू डेट से पहले जब ड्रॉई बिल की पेमेंट कर देता है तो इसको हम कहते हैं बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट, ठीक है। तो रिबेट जो है वो डिस्काउंट ही होता है, लेकिन उस डिस्काउंट को आप रिबेट के नाम से लिखते हैं। हम इसको अप्लाई करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए आप। ऑन 1 जनवरी 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ 5000 एंड ड्यू अ बिल ऑन बी फॉर पीस 5000 एट 3 मंथ्स। इसको कंप्लीट रीड कर लेते हैं। 1 जनवरी 2017 को ए ने गुड सेल की है बी को 5000 और बी ड्रॉ कर दिए 5000 रुपए का, ठीक है। और 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी, 3 महीने का बिल है, 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी, 1 महीना पहले बी आस्क्ड ए दैट ही वांटेड टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल इमीडिएटली। बी ने अब ए को अप्रोच किया और कहा कि मैं बिल की अभी अभी पेमेंट कर देता हूँ, टू विच ए एग्रीड एंड ऑल्सो अलाउड हिम रिबेट ऑफ 6% पर एनम। ए मान गया और उसको कितना रिबेट अलाउ किया है? 6%, ठीक है। अब पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो सबसे पहले सेल परचेज की एंट्री करते हैं हम, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को ए क्या करेगा? बी अकाउंट को डेबिट करेगा और सेल अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। गुड सेल की एंट्री करें हम 5000, बी क्या करेगा अपनी बुक में 1 जनवरी 2017 को परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और टेबल किसको बना लेगा? ए को, कितनी अमाउंट से? 5000 से, ठीक है। इसके बाद बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, सेम डेट पे बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बी क्या करेगा? ए अकाउंट डेबिट और बी पेबल अकाउंट क्रेडिट। सेल परचेज के बिल ड्रॉ होने की एंट्री आप लोगों को पता है, ठीक है। अब बिल की ड्यू डेट क्या बन रही है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने का बिल है, 4 अप्रैल बन रही है ड्यू डेट, ठीक है। लेकिन 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी बी ने 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दी है, यानी कि बी ने पेमेंट कर दी है, 4 अप्रैल को करनी थी, 4 मार्च को पेमेंट कर दी है, और 6% रिबेट जो है ना वो डिसाइड हुआ। अब जब कैश रिसीव करेगा 4 मार्च को 2017 को, ए कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और रिबेट अकाउंट को डेबिट करेगा, एक्सपेंस है ड्रॉअर के लिए, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा पूरी अमाउंट से, कितना? 5000, ठीक है।
अब रिबेट हम कैसे निकालेंगे, 5000 बिल की अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रिबेट का रेट कितना है 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 कितने महीने पहले पेमेंट की है 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी 1 महीना पहले तो आप 1 महीने का रिबेट लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 कितना रिबेट आ गया जी आपके पास आ गया 25 रिबेट लिया कैश कितना रिसीव किया जी 4975 अब ड्राई क्या करेगा अपनी बुक में 4 मार्च 2017 को बिल पेबल अकाउंट डेबिट इतने से 5000 से कैश कितना पे किया है 4975 और रिबेट ड्राई के लिए क्या है इनकम में इंक्रीज क्रेडिट कितनी 25 ये सिंपल थी एंट्री थी डिस्काउंट जो है किस नाम से रिकॉर्ड हो रहा है रिबेट के नाम से इसको हम बोलते हैं बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट ड्यू डेट से पहले जब बिल की पेमेंट हो जाए ठीक है तो उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग का बिल अंडर रिबेट रिबेट ड्रॉर के लिए एक्सपेंस है इंक्रीज डेबिट रिबेट डेबिट में आ गया डिस्काउंट की जगह और रिबेट इनकम है ड्राई के लिए क्रेडिट में आ ठीक है इसको आप लोग नोट करें ट्रांजेक्शन को बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन था